Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to do the unit 3, citizenship. Means के शहरियत. जब आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको उस शहर में रहते हुए उस शहर की शहरियत मिल जाती है. So we say that he has a citizenship. तो एक शहरी होने के हैसियत से आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या rights हैं, और आपको अपने शहर के बारे में भी knowledge होनी चाहिए, अपने कंट्री के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, उनके साइंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. सो इन द सिटीजनशिप वी हैव आवर फ्लैग. लेसन का नाम क्या है? हमारा झंडा. सो टुडे वी नो अबाउट आवर फ्लैग. आज हम जानने जा रहे हैं हमारे झंडे के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू वी हैव सोशल स्टडी ऑक्सफोर्ड बुक फॉर क्लास 1. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विच इज ऑन द पेज नंबर 24 एंड द लेसन नेम इज आवर फ्लैग. सो लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर फ्लैग. This is the picture of our flag. ये हमारा झंडा है. आपको पहले से भी पता होगा. So start करते हैं reading. We are Babur and Marwi. यहाँ पर दो pictures हैं. एक Babur की है और एक Marwi की है. ये दोनों अपने अपने नाम आपको बता रहे हैं. They are saying that कि हम कौन हैं. ये Babur है और ये Marwi है. Pakistan is our country. And this is our flag. पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये हमारा झंडा है, यानी कि हमारे पाकिस्तान का झंडा है. It is green and white. तो हमारे झंडे का रंग कैसा है? हरा और सफ़ेद. It has a moon and a star on it. और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे झंडे में चाँद और सितारा है. We are proud of our flag. हमें अपने झंडे पर फख्र है. कौन बता रहा है आपको? Babur और Marwi बता रहे हैं. वी रिस्पेक्ट आवर फ्लैग. हम अपने झंडे की इज्जत करते हैं. वी शुड नॉट थ्रो द फ्लैग ऑन द ग्राउंड. हमें झंडे को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए. वी फ्लाई आवर फ्लैग ऑन मैनी स्पेशल डेज लाइक पाकिस्तान्स बर्थडे 14 अगस्त, कायदे आजम्स बर्थडे 25 दिसंबर, पाकिस्तान डे 23 मार्च. तो यहाँ पर Marwi और Babur बता रहे हैं कि हम अपने झंडे को ख़ास दिनों में लहराते हैं. अब वो ख़ास दिन कौन से हैं? पाकिस्तान बर्थडे यानी कि 14 अगस्त का दिन, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था. कायदे आजम की पैदाइश का दिन, जिस दिन कायदे आजम पैदा हुए थे, वो कौन सी डेट है उसकी? 25 दिसंबर. पाकिस्तान डे कौन सी डेट है पाकिस्तान डे की? 23 मार्च. तो पाकिस्तान डे को क्या हुआ था? इस दिन सारे पाकिस्तानी जमा हुए थे और उन्होंने ये इरादा किया था कि वो अपने लिए एक न्यू कंट्री बना कर रहेंगे, अलग कंट्री बना कर रहेंगे. तो इस डे को हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान डे. और जिस दिन हमारी कंट्री बन गई थी तो वो कौन सा डे है? पाकिस्तान्स बर्थडे. उसकी डेट क्या है? 14 अगस्त. सो इट इज़ द रीडिंग अबाउट आवर फ्लैग. आई एम श्योर यू लर्न फ्रॉम मेनी मोर फ्रॉम दिस लेसन. पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके के हमारे फ्लैग का कलर कौन सा है? हरा और सफ़ेद. हम पाकिस्तान के झंडे को कब लहराते हैं? 14 अगस्त के दिन, कायदे आजम की पैदाइश के दिन और पाकिस्तान डे पर, यानी कि जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई उस दिन. अच्छा, तो हमें अपने झंडे को रखना कैसे चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? हमें अपने झंडे की इज्जत करनी चाहिए और उसे ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो आवर फ्लैग ऑन द ग्राउंड. And we also respect our flag. So now I am going to the page number 21, content review. In the blanks, our flag is dash and dash. हमारे झंडे का रंग कैसा है? हरा और सफेद. So we write here green and white. And the next blank, we fly our flag on where? On 14th August. हम 14 अगस्त को अपने पाकिस्तानी झंडे को लहराते हैं. क्यों लहराते हैं? Because it is Pakistan's birthday. क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की बर्थडे होती है. See, it is wrong to dash our flag on the ground. यह गलत है कि हम पाकिस्तान के झंडे को जमीन पर फेंकें. So we write here throw. It is wrong to throw our flag on the ground. D, we must what? We must respect our flag. हमें अपने झंडे की इज्जत करनी चाहिए. गोइंग फर्दर एक्टिविटी में हमें अपने पाकिस्तान के झंडे में कलर करना है. कौन सा रंग करते हैं हम अपने पाकिस्तान के झंडे में?
हरा और सफेद, ठीक है. सो नेक्स्ट है, शुड द फ्लैग बी लेफ्ट फ्लाइंग ऑन द रूफ टॉप आफ्टर 14 अगस्त. क्या हमें पाकिस्तान के झंडे को 14 अगस्त के बाद भी अपनी छत पर लहराते हुए छोड़ देना चाहिए? यस, हमें अपने पाकिस्तान के झंडे को 14 अगस्त के बाद भी अपने रूफ की टॉप पर लहराता हुआ छोड़ देना चाहिए. बिकॉज इससे एक पता चलता है कि हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत है, और इससे ये भी पता चलता है कि वी आर पाकिस्तानी. सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर फ्लैग. आई होप यू लर्न मेनी मोर फ्रॉम दिस लेसन. So like the video and subscribe the channel and pray for my mother who late. May Allah bless her and grant her to the highest level of Jannah and protect her and all Muslims from the hellfire. Ameen, summa ameen. Stay recite Jude Pak sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arham ummata Muhammad. Ameen. Allah Hafiz.